पीआईए के बदतरीन खसारे का मामला, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीआईए बेल आउट पैकेज का ऑर्डर जारी। पीआईए को 2008 से 2017 के दरमियान तकरीबन 209 अरब का बेल आउट पैकेज दिया गया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बेल आउट पैकेज 199 अरब जाहिर किया। गुमराह कुन मालूम फराहम करने पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नैयर हयात को इजहार वजू का नोटिस जारी कर दिया गया। पंजाब पुलिस के अफसरों और एहलकारों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ख्वाब अधूरा। साबिक आईजी ने 7 माह कबल पंजाब भर में हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन खरीदने का हुक्म दिया। किसी अफसर ने भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन नहीं देखी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कोट लखपत, टाउनशिप, आरे बाजार, कैंट और दीगर इलाकों में बारिश हुई। गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। बारिश के बाद लेस्को का तरसीली निजाम मुतासर, 50 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। हट्टा चौक, नादिराबाद, जोड़े पुल, वॉल्टन रोड, कैवलरी ग्राउंड समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। गोलबाम में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी के जेरे एहतमाम एलुमनी तकरीब का इनाकाद। यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की गई और जश्न आजादी के हवाले से पैगाम दिया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जश्न आजादी की मुनासबत से कॉन्सर्ट का इनाकाद किया जाएगा। दियामिर भाषा डैम फंड में कम अज कम 200 रुपए जमा करवाने वाले बैंक की रसीद दिखाकर 14 अगस्त को कंसर्ट में शिरकत कर सकेंगे। गुलकार सज्जाद अली, शफकत अमानत अली, उमेर अरशद और दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे।